हाय गाइस, वेलकम टू टॉपर्स एग्जाम डॉट कॉम। मैं आज आपको डेली करंट अफेयर के बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ पर 10 मार्च 2022 की करंट अफेयर उपलब्ध है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गुवाहाटी नगर निगम के चुनाव में कागजी मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका सही आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसका सही आंसर है दिल्ली सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय और किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर है यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में TDSAT के अध्यक्ष के रूप में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरूभाई नारायणभाई पटेल को नामित किया है। इसका सही आंसर है दिल्ली उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 वर्षीय प्रियंका नौटंकी हाल ही में भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। इसका सही आंसर है 23वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की लगभग 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इसका सही आंसर है पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर के रहने वाले टी राजा कुमार को हाल ही में किस फाइनेंशियल एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है फाइनेंसिंग एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडेक ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस IIT संस्था में परम गंगा नाम का एक सुपर कंप्यूटर डिजाइन और स्थापित किया है। इसका सही आंसर है IIT रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय और किस मंत्रालय ने हाल ही में अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोका का आयोजन किया है। इसका सही आंसर है कपड़ा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 10 मार्च। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। इससे आपको न्यू अपडेट जानकारी मिलती चली जाएगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।